क्वेश्चन नंबर 10th, द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। कहता है जो 17th टर्म है, क्या है, 7th टर्म है एपी की, ठीक है ना, ये 17th टर्म है एपी की, क्या है, क्या है वो एक्सीड कर रही है, ठीक है ना, एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, मतलब एक्सीड का तो बढ़ना बढ़ रही थी, इसकी जो 10th टर्म है ना वो बढ़ी कैसे 7, मतलब 17th टर्म इक्वल्स टू 10th टर्म, ठीक है ना, 10th टर्म एक्सीड्स बाय 7, मतलब ये कह रहा है 7 से बढ़ रही है, मतलब प्लस 7 लिखेंगे हम, समझे। फिर कहता है फाइंड द कॉमन डिफरेंस, क्या करना है, कॉमन डिफरेंस सॉल्यूशन में क्या करेंगे हम, बाय द गिवन कंडीशन, ये लिखे हमने, और 17 टर्म ने ना फॉर्मूला क्या है, a प्लस 16d, 10th टर्म a प्लस 9d और 7 आ गया, इसको उठा के ले आओ, a प्लस 16d, ये प्लस का है ना माइनस आ जाएगा, ये भी प्लस क्या है तो माइनस 9d इक्वल्स टू 7, ये a और a कट गया, 16 में से 9 निकाले 70, 70 इक्वल्स टू 7, d इक्वल्स टू 7 अपॉन 7, d इक्वल्स टू 1, ये बीच इंप्लाइज भी डालते हैं ना, मैं आपको कल टेस्ट चेक कर रहा था, कोई बीच इंप्लाइज नहीं है, ठीक है, डी वैल्यू क्या आ गई 1, दस द कॉमन डिफरेंस इज क्या है 1, समझे आप, जी हमें निकालना था, कोई क्वेश्चन, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, जय भारत।